नमस्ते, मैं लक्ष्मण कुड़ी ज्ञानज्योति विद्यालय कक्षा 3 का छात्र। आज आपको हमारे विद्यालय द्वारा कराई गई महेश्वर की यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। 22 अक्टूबर 2019 की यह यात्रा बहुत ही मनोरंजक रही। हम प्रातः 7 बजे इंदौर से महेश्वर की ओर रवाना हुए। हम सब छात्र इस यात्रा को लेकर बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि हमें माँ अहिल्याबाई की नगरी में जाने का अवसर जो मिल रहा था। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक थी और मालवा प्रांत की महारानी। लोग उन्हें राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से भी जानते थे। रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाया गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था और उसी गढ़ को आज हमें देखने का अवसर मिल रहा था। पहुंचते से ही सर्वप्रथम हमने किले में प्रवेश करा। रास्ते में हमने हथकरघा और चरखा देखा। वहां सुंदर सुंदर महेश्वरी साड़ियां बड़े सुंदर तरीके से बनाई जा रही थी। इस तरह धागों से साड़ियों को बनता देखना एक अलग ही अनुभव था। तत्पश्चात हम नर्मदा नदी के किनारे गए और भोजन ग्रहण करा, और भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। वहीं घाट पर हमने तस्वीरें खींची और हमारे महोदय ने चिन्ह, पानी के चिन्ह को देखकर उसका उतार चढ़ाव बताया। फिर हम महेश्वर के राजवाड़े पे पहुंचे, जो बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। वहां पर एक शिवजी का मंदिर भी है, जिसको अहिल्याबाई ने बनवाया था, क्योंकि वह शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके बाद हमने संग्रहालय में प्रवेश किया, जिधर अहिल्याबाई की विभिन्न चीजें रखी हुई थी। वहां पर हमने स्वागृह, विभिन्न प्रकार के चित्र और हथियार कक्ष देखे, और एक कक्ष में हमने सोने चांदी के शिवलिंग भी देखे। वही अहिल्याबाई होलकर की एक लंबी सी और बड़ी सी मूर्ति है, जिसके पास जाकर हमने तस्वीरें खींची। हमारे यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी और मैं हमारे ज्ञानज्योति विद्यालय को हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। महेश्वर जाने के लिए निकले और फिर हमने रास्ते में नाश्ता किया। उसके बाद हम थोड़ी देर में महेश्वर पहुंच गए। फिर वहां पे हमने महेश्वरी साड़ियां बनते हुए देखी
और फिर हम अहिल्याबाई होलकर के किले में गए और उस वहाँ पे हमने नर्मदा नदी देखी और फिर हमने अहिल्याबाई होलकर का घर देखा। वहाँ पे बहुत सारे शस्त्र थे और तलवारें, बंदूकें और तोपें भी थी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। हम और फिर हम थोड़ी देर बाद नहीं हमने वहाँ पे खाना खाया महेश्वर में और फिर हम थोड़ी देर बाद इंदौर पहुँच गए।